हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज मौसी जी आई है, छोटे वाली मम्मी से छोटी मौसी आई है और मौसा जी आए हुए हैं। तो शाम का टाइम हो चुका है, तो शाम के टाइम आए हैं ये। शाम के 4 बजे के आसपास आए हैं और उस टाइम मैं ड्यूटी पर था, पापा जी ड्यूटी पर थे और हम आज लेट आए। पापा जी भी आज 5:30 बजे आए हैं और मैं भी। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप देख सकते हैं, 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है सभी का। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 42 के आसपास चल रहा है 4-5 दिन से। और पापा जी लेटे हुए हैं, पास में मौसा जी बैठे हैं। और पूजा ने देखे चावल बना दिए हैं, बासमती राइस, और आटा गूंद दिया है और दाल बन चुकी है। थोड़ी दाल वहाँ पर निकल गई थी जिस कारण ही ख़राब हो चुके हैं। चावल ही बन चुके हमारे। बन गए कच्चे भी। और मौसा जी हमारे अमरोहा ज़िले में रहते हैं, सैला गांव में। बहुत दूर से आए हैं, 150 किलोमीटर के आसपास से आए हैं। और देखिए मौसी जी बिल्कुल मम्मी की तरह लग रही है, जैसे सेम टू सेम मम्मी की तरह लग रही है, दूर से देख सकते हैं आप। बैठी है मौसी जी हमारी। और मौसी जी को देखकर तो मम्मी की याद आई थी बहुत ज़्यादा, दूर से ऐसी लग रही है जैसे मम्मी बैठी हो। और आटा पूजा ने दोबारा गूंदा है थोड़ी देर धरने के बाद। और इधर चावल बन चुके, रेडी हो चुके हमारे, ये देखिए। और दोस्तों देख सकते हैं आप, आज हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आए हैं हमारी गाय को देखने के लिए, गंगू को, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी कारण ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। ये देख सकते हैं आप, पेशाब में लाल खून आ रहा है, बिल्कुल लाल, इसी कारण ये कमज़ोर हो रही है। और पिछले साल भी यही हाल था इसका, लेकिन कुछ महीनों बाद आराम लगा था। और अब के साल फिर इसे यही दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने फिर इसका ट्रीटमेंट कर दिया शुरू। और ये दोनों डॉक्टर साहब हैं जो उनसे कुर्सी पर बैठे हैं और ये दूसरे जो उनसे दवाई लिख रहे हैं। और इसमें इन्होंने इंजेक्शन रखा है ठंडा करने के लिए, बर्फ़ के नीचे बर्फ़ का पानी है इसमें और बर्फ़ है रखा ऊपर, तो इंजेक्शन रखा है इसमें गंगू को लगाने के लिए। और ये बाहर गली में बैठ गए थे क्योंकि थोड़ी हवा सी चल रही थी बाहर, अंदर तो बहुत घुटन मरना है, तो डॉक्टर साहब जो दवाई और सिरिंज भर रहे हैं और उसके बाद इंजेक्शन लगाएंगे गंगू को। तो डॉक्टर साहब जो है ये ठंडा इंजेक्शन करके लगा रहे हैं इसको, क्योंकि ये बहुत हैवी इंजेक्शन है, गर्मी में बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, जिस कारण डॉक्टर साहब ने इसे ठंडा किया है बिल्कुल चिल्ड। और उसके बाद ही गंगू को इंजेक्शन लगाया है। तो मैं भी अभी ड्यूटी से आया था, तो जब ही डॉक्टर साहब आ गए थे, और ये इतना हैवी इंजेक्शन है कि ये ठंड में लगता है शाम के टाइम, तो शाम हो चुकी थी जिस कारण जो इंजेक्शन लगा इसके। और देखिए डॉक्टर साहब ने बोला था कि इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद 1-2 मिनट इसको बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, और इसको अभी दर्द हो रहा है जिस कारण ये पैर पीट रही है। और आज शाम के टाइम की दावत आज घेर में है, मेहमानों की भी और हमारी भी, तो खाने के लिए हम आ चुके थे। और खाना बबली चाची लगा रही है और प्रीति जी बना रही है। तो देखिए पापा जी, मौसा जी और पिताजी और चाचा जी जो खाना खा रहे हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि हम राजेंद्र बाबा जी को चाचा जी बोलते हैं और जो बड़े वाले बाबा जी हैं उनको पिताजी बोलते हैं। हम दादाजी या बाबा जी नहीं बोलते, चाचा जी और पिताजी बोलते हैं।
तो इधर बैठ जाओ, मौसी ऊपर बैठ जाएगी, मौसी ऊपर बैठ लो। हेलो कर दो। हेलो हेलो नंदू। हेलो नंदू। बाय कर दो। बाय करी। बाय। हेलो दोस्तों, तो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो अगले दिन सुबह का टाइम है, मौसी यार चलने के लिए रेडी है, और मौसा जी भी और दादी बुआ जो है उन्हें विदाई के पैसे दे रही है और उनसे गले मिल रही है। तो मौसी जी का भी मूड देख सकते हैं आप, उदास है, और पापा जी भी उदास हो चुके हैं। मौसी जी जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी और चढ़ाती पर भी बहुत ज़्यादा रोई, इसी कारण मैं इनकी वीडियो नहीं बना पाया ज़्यादा। और अंकित जो है मौसा जी को और मौसी जी को बुटाने बस स्टैंड पर छोड़ कर आएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो समय 9:30 बज चुके हैं और ड्यूटी पर जाने का समय हो चुका है, मैं चलता हूँ ड्यूटी पर। और पापा जी जो है ड्यूटी पर जा चुके हैं, मैं छोड़ आया था उन्हें। तो पापा जी खाना लेकर जाना है मुझे, तो खाना लेकर चलता हूँ अपनी ड्यूटी पर और चलता हूँ छत पर, देखते हैं बुआ जी और पूजा क्या कर रहे हैं। और बुआ जी देखिए छत पर जो है अनाज साफ कर रही है सुबह के टाइम ही, और फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है इसलिए बुआ ने सुबह सुबह अनाज साफ कर दिया है। इस तसले में देखिए बुआ ने जो है अनाज साफ कर दिया है, वो थोड़ा रह गया है बस। और अब जो है इसे आटा चक्की पर दरकाना है। अंकित या गगन दरिया होगा क्योंकि मुझे तो जाना है ड्यूटी पर, मेरा टाइम हो चुका है। और बुआ जो है आटा साफ कर चुकी है पूरा। और देखिए अनाज में कितना कुबाड़ा लिकाड़ा है बुआ ने, कितने जो है लकड़ी के डंठल से होते हैं लिकाड़े हैं, वो साफ़ कर दिया अच्छे से। और थोड़ा सुबह के टाइम आज हवा भी चल रही है हल्की हल्की, और गर्मी का तो मौसम है ही, थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है 4-5 दिन से। तो बुआ ने अनाज साफ कर दिया है, देख सकते हैं आटा पिसाने के लिए। और पूजा ने भी अपना काम निपटा लिया है और जो बर्तन साफ कर रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम जी।